लखनऊ में इतनी गर्मी है, मैं आपको बता दूं 45-46 तक टेम्परेचर चला गया है, 31 का टेम्परेचर दिखा रहा है, तो काफ़ी फर्क है। मतलब हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए फ्रेश ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद आने वाला है ब्लॉग, तकरीबन 6-7 महीने के बाद जो है ब्लॉग को बना रहा हूँ और अपलोड भी करूँगा साथ ही। तो आज मेरे साथ 3-4 दोस्त आए हैं मेरे। कल हमने यहाँ पर एक लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट किया और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन है। हमने कल राजन का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हेलो कर दो और सभी इसको हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट में। और ये है सुनील और एक लड़का हो रहा है वो विशाल, हम चारों फ्रेंड ही हैं। अभी सुबह हो चुकी है और नाश्ता वगैरह यहाँ पर पराठों का ऑर्डर दिया था तो वो खा रहे हैं अभी। और रात को हमने चिकन वगैरह खाया था, वो वहाँ पे अभी प्लेटें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अभी खाना वगैरह खा के फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और इनका जाने का मन नहीं है। ये देखो अभी भी लेटे हुए हैं, जाने का नहीं मन है आपका? हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? दो दिन का थोड़ा ना किराया दिया, एक दिन का ही दिया अभी हमने। तो दोस्तों अभी मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो फ़ोन से बना रहा हूँ, बाकी गोप्रो मेरा चार्ज हो चुका। अभी आपको जो आगे क्लिप्स देखने को मिलेंगी अभी मैं इससे ही रिकॉर्ड करूँगा, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपको जो जो दिखाने लायक होगा वो मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ का भी आप देख सकते हो दोस्तों कैसा है। बाकी रात को हमने यहाँ पे अंदर स्टे किया हुआ था तो यहाँ पे रुके थे। नाइट को स्टे किया, कैसा लग रहा था आपको? बहुत बढ़िया भाई, सर्विस भी अच्छी है इनकी। रिले शूट हो रही है आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो कि कैसा है यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की हुई है तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे खुले में मैगी वगैरह हमने लाया सामान तो वो मैगी वगैरह बनाएंगे। सो गाइस चलती है। सो गाइस ये है मोसली वाला, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसे देखिए, देखिए गाइस देखिए यही है, ये देखो सामान ढोने वाला व्यक्ति। पहले ये हुआ करता था लेकिन आजकल इसने चार्ज ले लिया है। सकते हो कि जम्मू में इतनी गर्मी है, मैं आपको बता दूं जम्मू में अब 45-46 तक टेम्परेचर चला गया है, इतनी गर्मी है। ये जम्मू से 100 किलोमीटर ही दूर होगा लेकिन यहाँ पे मौसम ठंडा है। एक्जैक्ट आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ अगर मेरा फ़ोन काम किया तो अभी टेम्परेचर देखा यहाँ पर दिखा दे रहा है 29 का टेम्परेचर दिखा रहा है, तो काफ़ी फ़र्क है। मतलब 20 डिग्री तक का टेम्परेचर का यहाँ पर फ़र्क अभी दिखा रहा है। तो हम इतने बोर हो चुके थे गर्मी में, इतनी गर्मी है हमारे जम्मू में, इतनी गर्मी पड़ती है, तो अभी हम यहाँ पे घूमने के लिए। विशाल आ चुका है, विशाल हेलो कर दो। हाय। हाँ तो ये कंबल वगैरह लेके आ चुके हैं अभी हम, आप देख सकते हो कितने वाले। और हमारा कंबल नहीं बिछाया थल्ला, नहीं उधर डाल दिया यार, सिलेंडर वगैरह हमने लाया है और साथ में फंडी लगी वगैरह, पानी वगैरह, ब्रेड नहीं लाया, ब्रेड ब्रेड सब कुछ है। टाइम हो चुका है 5:40 और यहाँ पर हम सारे थक चुके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई हिलने का मन ही नहीं कर रहा है किसी का। यहाँ पे सामने एक घूमने वाली जगह मैं आपको दिखाऊंगा, अगर जाएंगे हम तो मैं आपको दिखाऊंगा। और किसी का भी मन यहाँ से हिलने का नहीं है, आई डोंट नो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए सारे बैठ बैठ के मेरे को गाड़ी में लग रहा है थक गए हैं। अभी एक बाथरूम में गया हुआ है हमारा दोस्त और सामने आप देख सकते हो हालत मेरी पूरी ख़राब हो चुकी है, मेरे को खुद नींद लगी थी। तो ये बोल रहा था कि क्या बोलते हैं नीचे जाना, तो मैंने सोचा कि चलते हैं नीचे। और यहाँ पे लोगों ने मक्की वगैरह भी उगा दी, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी हमने नीचे यहाँ पे पार्क की हुई है और वहाँ पे झील है सामने, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर गया वहाँ पे तो। अभी वहाँ पे जाएंगे और प्लस ही देखते हैं कि क्या रहता है। कोले उठना है? इसमें आई थी उड़े कोले उठना,
बिल्ला गया तू है किदा तू करिए साले गंदा। दोस्तों इस होटल में हम अभी रुके हैं, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कि कैसा है। वहाँ पे झील है, उसको सनासर बोलते हैं, और इस एरिया को शायद सनासर बोलते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो।